नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज का दिन मेरे ख्याल से शुक्रवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ नहीं रहा। सुबह सुबह खबर आई कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में थे। सोचिए आप, 17 महीने, और ये उस केस में थे जिसमें एक गजब ही कहानी है। 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। जिस शख्स ने रिश्वत दी, जिस पर आरोप है, वो कुछ समय जेल में था। अचानक उसने कहा मेरी पीठ में दर्द है और उसको जमानत मिल गई। बाहर आके उसने कह दिया कि ना, मैंने तो रुपया मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को दिया था। जिस देश में अजीत डोभाल जैसे प्रधानमंत्री के दूत हैं, CBI है, ED है, वो आज तक एक रुपया भी ढूंढ नहीं पाई कि आम आदमी पार्टी 100 रुपये खा गई, निगल गई, पानी में भाग गए, या 100 करोड़ रुपया कहाँ चले गए। 100 करोड़ रुपया मामूली रकम नहीं होती। जब रिश्वत दी गई होगी तो ट्रकों में भर के दी गई होगी, लेकिन वो ट्रक कहाँ चले गए ये किसी को कुछ नहीं पता। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी साजिश कह सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत दर्द दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इकलौते ऐसे सांसद हैं जो सदन में प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर, और क्या क्या अपशब्द तो मैं खराब का शब्द कह रहा हूँ कि अपशब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या क्या उन पर आक्षेप लगाते रहते हैं, क्या क्या उन पर हमले करते रहते हैं। और जब वो सदन में प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर ये हमले कर रहे थे, मैंने उसी समय कहा था कि अब संजय सिंह ने अपनी जेल यात्रा सुनिश्चित कर ली है। और वही हुआ कि मनीष सिसोदिया की तरह संजय सिंह को भी जेल भेजा गया, लेकिन जिस दिन जमानत थी उस दिन ED उनका विरोध करने की हिम्मत भी जुटा सकी, क्योंकि ED जानती थी कि संजय सिंह के खिलाफ कोई पर्याप्त साक्ष्य है नहीं। सत्येन जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो, एक के बाद एक जेल भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया कि चुनाव में यह पार्टी टूट जाए, बिखर जाए। स्वाति मालीवाल जैसे हीरे नगीने भी BJP ने यूज कर लिए, जिन्होंने आरोप लगाया और कसके गोदी मीडिया ने उनको चलाया। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि किसी भी कीमत पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना निकल पाए, लेकिन ये कोशिशें फ्लॉप हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत दी गई है, और जमानत की जो शर्तें हैं वो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता। निचली अदालतों को ये समझने का समय आ गया है कि जेल नहीं, जमानत ही नियम है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल जाना से ज़्यादा जमानत नियम है। जेल जाना नियम नहीं है, जेल अपवाद होता है और जमानत अधिकार होता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमे के समय पर पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया को लंबे दस्तावेजों की जांच का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत तुरंत सुनवाई का अधिकार। अदालत ने यह देखने के बाद याचिका मंजूर करी कि मुकदमे में लंबी देरी ने सिसोदिया के शीघ्र सुनवाई के अधिकार को उल्लंघन किया है। ये स्वतंत्रता का एक पहलू है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है कि आज सत्य की जीत हुई। संजय सिंह ने कहा कि इस मामले में कोई सच्चाई नहीं थी, हमारे नेताओं को जबरदस्ती जेल में रखा गया, सिसोदिया जी को 17 महीने रखा गया, क्या BJP नरेंद्र मोदी मनीष जी के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे। इन 17 महीनों में बहुत ज़्यादा स्कूल बनाते मनीष सिसोदिया, बहुत ज़्यादा काम करते। मनीष सिसोदिया को बीच बीच में पेरोल भी मिली थी, उनकी पत्नी गंभीर बीमार हैं, इस आधार पर पेरोल मिली थी। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। क्या होगा आम आदमी पार्टी की, क्या रणनीति होगी, विषय पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता वंशराज मेरे साथ हैं। वंशराज दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुश होंगे आप आज कि जमानत मिल गई आपके नेता को। पहली टिप्पणी आपकी। सबसे पहले जी संजय भाई नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आने वाले जजों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी के समर्थकों की तरफ से और दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से। देखिए 17 महीने, ये ठीक बात है कि 17 महीने जिस शख्स को नरेंद्र मोदी के एक षड्यंत्र से 17 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा, मुझे लगता है दिल्ली की जनता के लिए, इस देश के लिए।
क्योंकि वो शख्स जो शिक्षा की क्रांति लिख रहा था, वो शख्स जो दिल्ली के अंदर नए नए स्कूल बना रहा था, नए नए शिक्षा के मॉडल तरीके से तैयार कर रहा था, गरीब के बच्चों को अच्छी और मुफ्त की शिक्षा दे रहा था, उस व्यक्ति को 17 महीने नरेंद्र मोदी ने अपने एक षड्यंत्र के तहत अपनी सनक में जेल के अंदर रखने का प्रयास किया। लेकिन देखिए, ये कहा, ये कई जगह कहा जाता है कि सत्य पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। तो आज वो कहीं ना कहीं घड़ी हम लोग के लिए आई है, जो सुखद घड़ी हम कह सकते हैं, जिसको कि 17 महीने लगे, लगभग 1.5 साल से ज्यादा समय लग गया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, पहले तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी को आरोपी बनाया गया था इसमें, उसके पहले सत्येंद्र जैन जी को अंदर किया गया, संजय सिंह जी को अंदर किया गया, और फिर हमारे सबसे बड़े नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया गया। और मिला क्या? 2.5 से 3 साल हो गए संजय भाई इस पूरे मामले को लेकर, क्या ईडी, क्या सीबीआई, नरेंद्र मोदी की सारी एजेंसियां, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने छुट्टे साढ़ की तरह छोड़ रखा था कि जो भी कुछ मिले लेके आओ इन नेताओं के खिलाफ, जो कुछ मिले लेके आओ इन पार्टियों के खिलाफ। लेकिन आप समझ लीजिए कि 2.5 साल से 2.5 रुपए की भी बरामदगी या कहीं से कोई रिकवरी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ना ईडी कर पाई, ना सीबीआई कर पाई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगता है, इस देश के लिए, कि जो व्यक्ति विकास के काम कर रहा है, जो व्यक्ति इस देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है, जो पार्टी इस देश को नई दिशा दे रही राजनीति में, उस पार्टी को कुचलने के लिए, बर्बाद करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कितने हथकंडे अपनाए। लेकिन आज हम सब, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता खुश हैं, और जल्द ही हम सब विश्वास, हम सबको विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है, कि अरविंद केजरीवाल जी भी, सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। वंशराज जी, किस आपके यहाँ कोई छींक भी आ जाए तो सीधे आप नरेंद्र मोदी पे हमला कर देते हैं, भाई नरेंद्र मोदी का इसमें क्या रोल है? आप लोगों के ऊपर आरोप है कि आपने शराब नीति का उल्लंघन किया, पैसे लिए, सीबीआई ईडी सब जांच कर रही है, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, तो नरेंद्र मोदी बीच में कहां से आ जाते हैं? नहीं देखिए, नरेंद्र मोदी जी को आपने जो आरोप लगाया कि हम कोई छींक भी आ जाए तो हम लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर एक तरीके से कमेंट करने लगते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश। आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आज नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ। इस पूरे शराब घोटाले, तथा कथित शराब घोटाले का जो मुख्य आरोपी था, जिसको नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर ईडी और सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया, उसको जमानत मिली। जमानत किस आधार पे मिली? क्योंकि नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए चंदा दिया। आप इस बात को मान रहे, वो ऑन रिकॉर्ड है, उसको भारतीय जनता पार्टी डिनाई नहीं कर सकती। अगर वही व्यक्ति कहीं गलती से 6 रुपए भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आम आदमी पार्टी को दिया होता संजय भाई, तो आज पूरी की पूरी पार्टी को तहस नहस करने का काम नरेंद्र मोदी जी करते, जो कि लगातार वो प्रयासरत है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उनको चंदा दिया, जिस व्यक्ति ने उनके साथ उनके इशारे पर सरकारी गवाह जो बना, जो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है, 10-10 बयानों में नाम नहीं लेता, वो अचानक से क्या होता है कि 11वें बयान में वो नाम नहीं लेता अरविंद केजरीवाल जी का, तो ये देश की जनता देख रही है। अरविंद केजरीवाल जी को लोअर कोर्ट से बेल मिलती है, शाम को बेल मिलती है, अगले दिन दोपहर में ऑर्डर अपलोड होना था, उस रिहाई को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी और सीबीआई चैलेंज करने पहुंच जाती है। आपने कभी ऐसी व्यवस्था देखी इस देश के अंदर? तो सबने देखा कि किस तरीके से हर प्रयास किया गया नरेंद्र मोदी के इशारे पर कि आम आदमी पार्टी को कुचला जाए, क्योंकि ये लोग दिल्ली के अंदर बैठ के राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उनकी छाती पर कहीं ना कहीं सांप लौट रहा है अरविंद केजरीवाल को देखकर, आम आदमी पार्टी को देखकर। हमने 3 बार दिल्ली के अंदर हरा दिया, 15 साल से एमसीडी में थे, हमने वहां हरा दिया, हमने नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में घुस के 15% वोट ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं पीड़ा थी। पंजाब के अंदर हमारी सरकार बन गई, गोवा में हम 6% वोट पा गए, तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की कि कैसे करके अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते कदम को रोका जाए। बस यही एक मामला था जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र रचा और ईडी और सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपी। आपके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही, तो कोर्ट तो कुछ तो देख रहा होगा ना कि आपने कुछ गड़बड़ करी, इसीलिए जमानत नहीं मिल रही। अब देखिए, कोर्ट के विषय में मैं क्या अधिवक्ता हूं, लेकिन मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि जब मनीष जी की अभी जब इसके पहले की हियरिंग लगी थी, आपने देखा था कि उसमें ऑनरेबल जज साहब ने अपने आप को उस केस से ही अलग कर लिया। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, कहीं ना कहीं आज
अक्सर आप देखने आपको देखने को मिल जाता है कि जुडिशरी भी कहीं कहीं लगता है कि दबाव में, भाई दबाव में सरकार के, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। अच्छा, इसी सरकार के अंदर आपने देखा था कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरीके से वो कितनी पीड़ा में है, चाहे पेगासस के मामला हो जिसमें जजों के और तमाम बड़े नेताओं के, अधिकारियों के, उनके फोन टैपिंग का मामला हो। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल इसी तरीके की राजनीति करने के लिए प्रसिद्ध है। वो चाहती है कि जो बड़े बड़े आरोपी थे, संजय भाई आप देखिए, चाहे वह हेमंत बिस्व शर्मा हो, जिस जो घोटाले बाज था, जिसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया वाटर स्कैम में, और आप समझिए कि भाजपा के नेताओं ने घर घर पर्चा बांटा कि हेमंत बिस्व शर्मा तो बहुत बड़ा आरोपी है। पता चला अगले दिन उसको भाजपा में शामिल कराया गया और आसाम के अंदर उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और मोदी जी ने इशारा किया अपने सारे कार्यकर्ताओं को कि जाके हेमंत बिस्व शर्मा का पैर छुओ। आप समझिए कि जो यहाँ पे नारायण राणे का मामला हो, मुकुल राय का मामला हो, यद्यपा का मामला हो, छगन भुजबल का मामला हो, यानी इन सारे आरोपियों को जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी जो तरीके से बड़े बड़े घोटाले करके इस देश में घूम रहे थे, उन सब को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, वॉशिंग मशीन में धुलाई हुई, और आज सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पर है। यही ऑफर तो मनीष सिसोदिया जी के लिए भी आया था, यही ऑफर आतिशी जी के लिए भी आया था, यही ऑफर हमारे आए दिन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी देती है कि कहां अरविंद केजरीवाल के चक्कर में पड़े हो, आम आदमी पार्टी के चक्कर में पड़े हो, वो तो खत्म हो जाएगी, हमारे पास आ जाओ, हम तुमको सीएम बना देंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे, विधायक बना देंगे, मंत्री बना देंगे। लेकिन दरअसल नरेंद्र मोदी जी इस बात को भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। हम किसी सत्ता के लिए इस देश में नहीं आए, हम सत्ता परिवर्तन के लिए इस देश के अंदर आए। वंशराज जी, लेकिन ये तो मानेंगे कि इन आरोपों ने आपकी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, दिल्ली की सारी लोकसभा की सीटें आप हार गए, अगर ये नहीं होता तो शायद आप दिल्ली में एक दो सीटें जीत जाते। नहीं देखिए, मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने जो भी मत हमको लोकसभा के चुनाव में दिया। ये बात ठीक है संजय भाई कि किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर जेल के अंदर होगा, अगर वो जमीन पे नहीं मौजूद हो पाएगा किसी भी परिस्थितियों में, तो उस पार्टी के लिए संघर्ष करना और ज्यादा कठिन हो जाता है। और हम इस इन दौर में लगभग 1.5-2 साल से दौर में बहुत बुरे तरीके से संघर्ष से हम लोग गुजर रहे हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियां हमारे खिलाफ खड़ी की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन ये ठीक है, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, जनता ने ही दिल्ली में हमको 3 बार जिताया है, जनता फिर से दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनाएगी, जनता हरियाणा में हमारी सरकार बनाएगी, जनता ने एमसीडी में हमको जिता के भेजा। तो हम इस बात को नहीं कह सकते कि जनता ने हमको वोट नहीं दिया, जनता ने अपना प्यार दिया, और जो भी उनका प्यार है वो हमारे सर माथे है। आगे जो भी कमियां रही होंगी हम उसको दुरुस्त करेंगे, आगामी लोकसभा चुनाव में हम 7 की 7 सीटें निकाल कर लेकर आएंगे। वर्षा जी, दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी बहुत पास में है, ऐसे में मनीष सिसोदिया का बाहर आना आप आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक सारा दारमदार संजय सिंह के कंधे पर था, संजय सिंह आपके फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद आपको क्या लगता है पार्टी में कितनी गति आएगी? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए संजय भाई, मनीष सिसोदिया जी इस देश के, मुझे लगता है कि शिक्षा क्रांति के नायक हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है, हरियाणा का शिक्षा मंत्री कौन है, मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है, गोवा का शिक्षा मंत्री कौन है, कर्नाटक का शिक्षा मंत्री नहीं बता पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में मुझे लगता है अगर आप 10 आदमी से बात करेंगे तो 7 आदमी आपको बताएगा कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर शिक्षा की जो क्रांति लिखी। आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जब एक तरीके से वाइफ यहाँ आती है, हिंदुस्तान आती है घूमने, तो आप समझिए कि उनको नरेंद्र मोदी जी ने बार बार प्रयास किया कि आप चलके गुजरात का स्कूल देख लीजिए, हरियाणा का स्कूल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का स्कूल, सरकारी स्कूल देख लीजिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं हमको दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के सरकारी स्कूल को देखने की जरूरत है। और वो जब दिल्ली, आपको याद होगा जब हम गुजरात के चुनाव में गए, मनीष सिसोदिया जी गुजरात के दौरे पर गए थे और उन्होंने बाकायदा चैलेंज किया था वहां के शिक्षा मंत्री और एक तरीके से मुख्यमंत्री को कि आप एक सरकारी स्कूल दिखा दीजिए जो सरकारी स्कूल आपने दिल्ली के तर्ज पर बनाया हो। लेकिन आपको पता हो कि एक फर्जी मॉडल तैयार किया गया था, आपको याद होगा कि एक फर्जी मॉडल गुजरात के अंदर बनवाया था नरेंद्र मोदी जी ने आनंद फानंद में, जिसका फीता काटने चले गए थे, जो टेंट वाला स्कूल था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी
मुझे लगता है आज एक तरीके से ऊर्जा मिली है आम आदमी पार्टी को, हम सब कार्यकर्ताओं को, और खास करके दिल्ली के 2 करोड़ जनता को, कि उनका लाल, उनका बेटा जिसने गरीबों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई, आज वो फिर से जेल के बाहर आ रहे हैं और हम सब बेहद उत्साहित हैं इसको लेकर। ये बात ठीक है कि 2025 में विधानसभा का, दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को ज्यादा ऊर्जा मिलने जा रही है और मजबूती से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, केवल जमानत मिली है, अभी आरोप से मुक्त नहीं हुए हैं आप, आपके मुख्यमंत्री अभी भी जेल में हैं। ये बात तो देखिए सही है, पिछली बार भी जब हम अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई ट्रायल कोर्ट से तो हम लोग तो जश्न मना रहे थे, लेकिन भाजपा भाजपा के लोग को पता था कि दूसरा रास्ता उनके पास क्या है और उन्होंने उस वो उनको कहीं न कहीं उसमें सफलता भी मिली कि वो रिहाई को स्टे लेने में रिहाई में भी स्टे लेने में सफल हो गए, तो ये बात ठीक है। लेकिन देखिए आज 2.5 साल लगभग हो गए इस पूरे केस को, और मनीष सिसोदिया जी के घर से लेकर दफ्तर से लेकर उनके बैंक लॉकर से लेकर हर जगह छापेमारी हुई है। संजय जी जो 6 महीने जिनको जेल में भाजपा ने रखा, जिन्होंने अपने घर को फक्कड़ हाउस घोषित कर दिया था, और आज 6 महीने उनको जेल में रखने में क्या मिला भाजपा को? कुछ नहीं मिला, 1 रुपए का भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए ना संजय जी के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी को लगातार 21 मार्च से जेल के अंदर रखे हुए हैं, अभी तक क्या आरोप मिला? कोई आरोप नहीं मिला। सत्येन जैन जी जब आम आदमी पार्टी बनी ही नहीं थी, जब ये आंदोलन में ही नहीं आई थी, उसके पहले एक फर्जी मामले को बनाकर जो है सत्येन जैन जी को अंदर रखा गया है। तो ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी इस बात को भुनाने में बनाने में सफल होती है, क्योंकि वो इस बात के महारथी हैं, क्योंकि इस देश ने देखा कि कैसे इस देश के जजों को धमकाया गया, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को धमकाया गया, इस देश के नेताओं को धमकाया गया कि अगर तुम हमारी पार्टी में आ जाओगे तो बच जाओगे, अगर दूसरी पार्टी में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर ईडी और सीबीआई के मुकदमे चलेंगे, बुलडोजर चलाया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा के घर के सामने जमीनों पर लगा दिए गए, तमाम जगह बोर्ड लगा दिए गए, जब तक बाबू सिंह कुशवाहा या तमाम नेता चुपचाप बैठे थे तब तक कुछ नहीं हो रहा था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश हो सकती है, लेकिन देखिए बड़े बड़े आरोपियों को तो उन्होंने अपनी पार्टी में खुद रखा है। छगन भुजबल एक ऐसा आरोपी संजय भाई जिसके ऊपर मुकदमा चला, 2 साल वो जेल में रहा, और 2000 जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, ईडी कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहती है कि हमारे पास से तो सारी फाइलें गायब हो गई हैं, इनके खिलाफ हमारे पास अब कोई आरोपी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की एक तरीके से कार्य प्रणाली पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो एक तरीके से जितनी कार्रवाइयां नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रही है, खास करके लगभग 96% केसेस तो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रहे हैं, तो इसका जवाब मुझे लगता है जब भाजपा सत्ता से जाएगी तो उनके नेताओं को और ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को भी देना पड़ेगा। वंशराज जी, दिल्ली में क्या लगता है, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे, कांग्रेस के अलग होकर लड़ेंगे? नहीं संजय भाई, मुझे लगता है कि हमारे नेताओं ने पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वहां पसंद करती, क्योंकि दिल्ली की जनता को पहली कोई ऐसी सरकार है जिसने बुनियादी मुद्दों की राजनीति करके बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसा मॉडल दिया जो आज पूरे विश्व में एक तरीके से विख्यात है। और वहां की महिलाओं से अरविंद केजरीवाल जी ने वादा भी किया है कि जैसे अभी वो जेल से छूट के आएंगे, 1000 रुपए प्रति माह उन महिलाओं को, उन बहनों को सम्मान राशि दी जाएगी जो अपने घर से, परिवार से नौकरी के लिए निकलती हैं, जो बेटी अपने घर से पढ़ने के लिए जाती है ताकि उसको पिता के सामने किराए के लिए या किसी अन्य खर्चे के लिए, पहले से ही महिलाओं की बस की यात्रा फ्री है, उसको हाथ न फैलाना पड़े। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं हैं, जिसको लेकर हम लोग अभी कल मीटिंग भी हुई है, इसको डोर टू डोर करके पूरे दिल्ली के जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी को और ज्यादा अच्छी सफलता दिल्ली के अंदर चुनाव में मिलने जा रही। अच्छा, ये नाटक अच्छा है, कभी इंडिया गठबंधन के नाम पर एक हो जाते हैं चुनाव पे, राज्य को चुनाव पे अलग हो जाते हैं, मतलब ये नूरा कुश्ती समझ में नहीं आती कि केंद्र में सहयोग में संघ में रहेंगे, दिल्ली चुनाव में संघ में रहेंगे, लोकसभा के पंजाब में अलग हो जाएंगे, दिल्ली में अलग हो जाएंगे, आदमी कंफ्यूज होगा कि कहां साथ में और कहां विरोध में है। नहीं संजय भाई, 2024 का जो चुनाव था वो संविधान बचाने का चुनाव था, लोकतंत्र बचाने का चुनाव था, इस देश को बचाने का चुनाव था, विपक्ष को मजबूत करने का चुनाव था। और आप समझिए कि कहीं ना कहीं देश की जनता ने जो भी इंडिया अलायंस के दल थे उनका साथ दिया, उनको आशीर्वाद दिया कि आप इस तानाशाह से लड़िए, हम आपके साथ हैं। और जितने भी इंडिया अलायंस के दल थे संजय भाई, सब मनभेद, महत्वाकांक्षा, मतभेद, इस सबको किनारे करके हम लोग
एक तरीके से अलायंस में शामिल हुए थे और जनता ने हमें प्यार दिया। सबको पता था कि इस तानाशाह को हटाने का चुनाव है, जिसमें हमको सफलता मिली। आज सदन के अंदर, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, जनहित के मुद्दे पर जब विपक्ष का कोई नेता बोलता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस बैकफुट पे दिखता है। कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ, हमारी आवाज अब सुनी जा रही सदन के अंदर। नहीं तो एक झटके के अंदर, एक दिन के अंदर, आपको वो दृश्य याद होगा कि यही सभापति महोदय अध्यक्ष जी ने एक दिन के अंदर 150 सांसदों को निकाल के सदन से बाहर कर दिया गया था। और हमारे नेता को सदन, संजय सिंह जी को तो किसानों के मुद्दों पे, किसानों के मुद्दे पे, नौजवानों के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे, व्यापारियों के मुद्दे पे, कुलियों के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे उठा के सदन से बाहर कर देते थे। तो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत मिली है, खास करके जो इंडिया अलायंस का एक तरीके से जो पूरा ढांचा बना था, जिसने सफलता प्राप्त की नरेंद्र मोदी को उनके अहंकार को खत्म करने के, उनके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वंशराज जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये थे वंशराज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और जाहिर है आम आदमी पार्टी के अंदर आज खुशी का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, चुनाव सिर पर है विधानसभा का, और उससे पहले मनीष सिसोदिया बाहर है। आम आदमी पार्टी आज ढोल नगाड़े बजा रही है, बीजेपी के अंदर शायद थोड़ा मातम छाया होगा। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा, चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।